अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट साहब, रिवियर की जो टॉपिक्स हमने चूज़ किए हुए हैं, जो आप लोगों ने बताया था मुझे, उसके लास्ट टॉपिक बॉक्स मॉडल पे चलते हैं। तो अच्छी खासी अब CSS भी कवर कर ली, पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं डिव के थ्रू। फ्रेम फेस्टिवल का एलिमेंट था जिसको हमने मल्टीपल एलिमेंट शो करने के यूज़ किया था, डिव क्लियर एंड फ्लोट को हमने देखा, इन लाइन इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल, इन लाइन स्टाइल शीट और इंटरनल देना भी देख लिया, डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ की, मार्जिन फ्लोट वगैरह और हाइट विड्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी ये बॉक्स मॉडल पे चलते हैं। तो बॉक्स मॉडल क्या है, प्रॉब्लम पहले आप देखते हैं। लेट्स से मैं एक पैराग्राफ लगाता हूँ जाके, इस सेंटर की डिव को आप डिस्कस करते हैं, ये जो है क्वार्टर की, ठीक है जी। तो मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ लगाता हूँ और उसको देता हूँ एक बॉर्डर। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को बॉर्डर देते हैं तो वो एक बॉक्स बन जाता है, जैसे डिव को बॉर्डर दिया वो भी एक बॉक्स है। तो व्हाट आई मीन टू से, समझने के लिए हमें थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पैराग्राफ एलिमेंट लिखा और अलाइनमेंट जो है पैराग्राफ की होनी चाहिए जस्टिफाई, ताकि आपका पैराग्राफ अच्छा लगे। और इसके अंदर मैं पैराग्राफ डालूंगा और पैराग्राफ आपका होना चाहिए अच्छा सा, ताकि कुछ लिखा भी हुआ हो उसमें। तो मैं यहाँ से नोट्स में से पैराग्राफ उठाता हूँ, कोई अच्छा अच्छा खासा पैराग्राफ लिखा हो। ये काम करेगा, कंट्रोल सी किया इसे और मैंने यहाँ डाल दिया इसे कंट्रोल वी। अच्छा, और मैं दे देता हूँ इसको तो इसको मैं डाल देता हूँ आईडी आईडी किधर गया, आईडी पी बॉक्स। अच्छा, ये पैराग्राफ का बॉक्स बनेगा कैसे, अब मैं यहाँ पे इसका स्टाइल लिखूंगा हैश, जिस एलिमेंट की आईडी पी बॉक्स है उसको सिलेक्ट करो और उसको दो एक बॉर्डर, अच्छा जी, कंट्रोल एस किया तो क्या हुआ कि उसका ये आ गया जी। अच्छा, पैराग्राफ पूरा क्यों लिया है, शायद चेक करते हैं। अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई किया, LIGN ID है इफ यू आर रिक्वायर्ड, तो ये पैराग्राफ सही लिखा हुआ है, इसलिए इसके यूज द ओवरऑल टैग, इसे या फिर इसने इंटरप्रेटर कर लिया हो इज अ प्रॉब्लम, ठीक हो गया। इसके अंदर वो ये LI के टैग लगे मेरा, तो इसने ब्राउजर ने इसे इंटरप्रेट कर लिया होगा।
अच्छा चेक करते हैं जी। अब तो ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से आपको प्रॉब्लम समझ जानी चाहिए। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं टू मेक अ गुड एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके। हाँ ये जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब आप देखेंगे जब अलाइनमेंट के अगेंस्ट हमने बॉर्डर खींचा तो ये जिस मेन एलिमेंट के अंदर आया उसकी दीवारों के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, और जो वर्ड है आपके वो बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, ये अगर आप ध्यान दें तो ये आपके जो कि गलत है, ये देख रहे हैं ये आपका ये बॉर्डर है। एक तो एक स्टिफ के अंदर भी ना जो एलिमेंट आना चाहिए वो बाहर लेके आना चाहिए, और यहाँ पे एक तो ये हमने सेट कर रहा है कि ये ऊपर से बार्जर और यहां से बार्जर आए, और ये आपका ये देखे जो लव्ज है आपके ये टच हो रहे हैं इस बॉर्डर की लाइन से। तो जब आपका बॉक्स बना है तो अब हमने बॉक्स मॉडल पे अमल कर रहा है जिसमें क्या शामिल है, बार्जर प्रॉपर्टी और पैडिंग प्रॉपर्टी। बार्जर बाहर से एलिमेंट को क्या करता है, स्पेस देता है, लेफ्ट से जगह छोड़ी, राइट से जगह, ऊपर से नीचे से, और पैडिंग अंदर से। तो हम इसकी पैडिंग अप्लाई करते हैं, और पैडिंग अप्लाई करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये जो आपके वर्ड है ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, बॉर्डर के दीवार के साथ लगे नजर आ रहे हैं। तो पहला चीज पैडिंग देते हैं हम इसे, तो पैडिंग। अब बगैर पैडिंग की भी चार प्रॉपर्टीज है, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप। तो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं शॉर्ट हैंड में भी लिखूं, आप अलग अलग प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, पैडिंग डैश लेफ्ट, पैडिंग डैश राइट, पैडिंग डैश बॉटम, पैडिंग डैश टॉप। तो अगर मैं शॉर्ट हैंड में भी लिखूं तो फर्स्ट वैल्यू इज पैडिंग टॉप, सेकंड इज पैडिंग बॉटम, सॉरी टॉप राइट, सेकंड राइट, ठीक है, देन पैडिंग टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट सेमी कॉलन। अब इसका इफेक्ट क्या होगा तो ये आप देख ले, नाउ इट लुक गुड। अब ये जो ये आपका जो पैराग्राफ है, ये अब बॉर्डर है पैराग्राफ, ये अब इसके साथ टच हो रहा है जिस टिप के अंदर है उसकी दीवार के साथ। हाउ वुड यू एडजस्ट इट, ठीक है, पैडिंग ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, उस पर सेट हो जाएगा वो। आप वैल्यू ज्यादा कम करके अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि कितनी पैडिंग देनी चाहिए। इसे 30 करके देखें, ये अंदर से और थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा और पैराग्राफ नीचे चला जाएगा। अब मार्जिन, मार्जिन का इफेक्ट देखिएगा। अब 20 वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप मार्जिन 20 होता है, पैडिंग 20 होती है, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, आप मार्जिन की और पैडिंग की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो बैडे पार्जिन मार्जिन की तरह दिया, टॉप मार्जिन राइट बॉटम एंड लेफ्ट, कंट्रोल एस किया और इसको देखा। अब इफेक्ट देखिएगा आप जरा और से। हाँ जी कुछ समझ आया आपको, तो ये बॉक्स मॉडल लाते हैं आपका। तो इस बॉक्स मॉडल को यूज करते हुए हम अपने एक एलिमेंट को जो कि मेन एलिमेंट के अंदर आ रहा है, मेन एलिमेंट इसका कौन सा है, डिव, ये वाली, इस डिव के अंदर हमने इस पैराग्राफ को कैसे सेट किया बाय यूज द बॉक्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ द पेंडिंग प्रॉपर्टी और मार्जिन प्रॉपर्टी। तो किसी भी एलिमेंट को जब आपने बॉर्डर दिया तो बॉर्डर के अंदर आपने बॉर्डर किसको दिया था, पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ के अंदर आपने पेंडिंग सेट की,
फिर आगे पेडिग्री तो देखिए, ऊपर से पेडिबल की, लेफ्ट से पेडिबल की, राइट से भी, लेफ्ट से टॉप बॉटम से भी, तो देखिए कैसे सेट हो गया है। इस पैराग्राफ अपने बॉक्स के अंदर और बाहर से जब बार जब दिया तो ये इसका बॉर्डर इसके अंदर से भी हट गया। ठीक है, तो ये था आपका बॉक्स बॉर्डर। तो आप फर्दर क्यूरी कर सकते हैं एग्जाम्स के रिलेवेंट, कोई भी चीज़ पूछ रही है आपने CSS की, HTML एडवर्ड्स की। मेरी तरफ से तो ये रिवियर की 5वीं वीडियो एंड है। ठीक है, तो आप कोई भी आज क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे तो आप वॉइस मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं लाजमी उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।